வரலாமா தெரிஞ்சுக்கலாம். अब कुछ बोलना बोलो देखे ना देखे देखे दे, 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 तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रौनक जहां प्रवेश सीतामढ़ी की पहली मेयर घोषित हुई और अभी अभी डीडीसी साहब ने एसडीओ साहब ने और डुमला बीडीओ साहब ने मिल करके इन्हें पहले मेयर बनने का सर्टिफिकेट दिया है और बाइक लेना है उनसे जी बोलिए लो पकड़ो अच्छा कहाँ गए पकड़ो नागरिकों ने बहुत ही जोर खरोश के साथ हिस्सा लिया। काफ़ी देर तक वोटिंग भी होता रहा आप लोग जानते हैं और काउंटिंग भी हम लोगों ने जिस तरह से किया सारे अभ्यर्थियों ने भी पूरा सहयोग किया हम लोगों को और हम लोगों ने जो वास्तविक मतदान हुआ उसके आधार पर मतगणना हुई और निर्वाचित जो लोग हो रहे हैं उनकी घोषणा हुई। सर बहुत सारे नव निर्वाचित जो युवा लोग आए हैं उनको क्या आप ये कहना चाहेंगे? सीतामढ़ी देखिए पहली बार नगर निगम बना है, ये हम सभी सीतामढ़ी के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम सभी लोग जो पूरी नई टीम बनी है हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि यह नई टीम सीतामढ़ी टाउन की तमाम इश्यूज जो हैं उनको ख़त्म करेंगे और एक सीतामढ़ी को एक बेहतर खूबसूरत शहर बनाने में योगदान देंगे। इस बीच में बहुत सारी भ्रमक खबर फैल रही थी, मीडिया सेंटर में जो खबरें आ रही थी उससे पहले दो घंटे पहले बाहर में खबरें जा रही थी, इसका एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं तो काउंटिंग करा रहा था, बाहर क्या चल रहा था उसके बारे में आप लोग बेहतर जानते होंगे, हम लोगों को इसकी कोई खबर नहीं दिया। मीडिया को वो आज़ादी आज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए काम को, तो हम लोग पूरी आज़ादी देखिए जहाँ एक जगह बैठा करके कमरे में क्या एक्चुअली जहाँ जहाँ प्रवेश नहीं करता वहाँ हम लोग आमतौर पर मना करते हैं, अगर हम लोग तो पूरी तरह प्रो मीडिया हम लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में सूचनाओं को जितना ज़्यादा डिसिमिनेट किया जाए उतना अच्छा, हम लोग आपके लिए प्रो मीडिया हैं ये तो पूरी तरह से। अभी आपने सीतामढ़ी के पहले मेयर रौनक जहां प्रवेश को सर्टिफिकेट दिया है, इस वक्त सर्टिफिकेशन गया है बल्कि दो तीन घंटे से मार्केट में खबर चल रही थी कि सर्टिफिकेट दे दिया गया है मिल लिया गया है,
और मैं समझता हूँ कि अभी तक बाकी जो प्रत्याशी है, वार्ड काउंसलर हैं या फिर डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और मुझसे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उपमेयर में, मैं इनसे भी बात करता हूँ। यही वो साहब हैं जिन्होंने मुझको हराया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपका। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वादे मैंने किए थे काम करने के लिए, अभी बिल्कुल आपने जो भी वादा किया सीतामढ़ी के लिए वो मैं पूरा किया। सीतामढ़ी, सुंदर सीतामढ़ी, स्वच्छ सीतामढ़ी, शिक्षित सीतामढ़ी, संप्रदाय मुक्त सीतामढ़ी कि मैं पूरी तरीके से ये करूँगा कि हमारा जो सीतामढ़ी सीता जी की जन्मस्थली है, ठीक है, जो एक मातृशक्ति की स्थली है, उसको बेहतर तरीके से आगे। तो आप आशुतोष कुमार थे, आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और लगभग 2000 मतों से मुझे पटखनी दी है। और हमारे साथ नव निर्वाचित मेयर पति आरिफ हुसैन साहब हैं, इस जीत को कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि आज आपका जुलूस नहीं निकलेगा, जश्न नहीं मनाया जाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो लोग चुनाव मेरे विरुद्ध लड़ रहे थे वो ध्रुवीकरण करके चुनाव, मुझे ऐसी आशंका है कि वो खुद कोई गलती कर दी या इल्जाम दूसरों पर लगा सके। तो हमको तो काम करना है, जीत गए तो जिम्मेवारी भर गई ना, तो जिम्मेवारी भर गई तो अब हमको सबको लेके चलना है, किस तरह लेके चलना है, काम करना है, शांति व्यवस्था और भाईचारा कायम रहे इस शहर का, ये सबसे पहली बात होता है। आपके नाम पर कहा जा रहा था कि बहुत दबंग है, काफ़ी आक्रामक हैं, तो लोग इस तरह की बातें उठा रहे थे, जो उनकी बातें हैं वो सही रहेगी या फिर काम होगा, आरिफ भाई बन के दिखेगा या फिर दबंग बन, बाकी लोगों के लिए जो आम लोग हैं, बोलिए आम लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं, कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं, आम लोग सोच रहे हैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो सब बैठ के हम लोग विचार करें।